गुड मॉर्निंग सभी को। तो गाइस मैं आपको बता दूं, अभी फिलहाल NH40 आप देख सकते हैं नेशनल हाईवे है, भोपाल का नेशनल हाईवे है और मैं यहाँ वीडियो शूट कर रहा हूँ। और आप मेरे पीछे मतलब बैकग्राउंड से समझ सकते हैं कि बाकी आप पीछे मेरे बैकग्राउंड से समझ सकते हैं कि मैं आज फिर से चेकिंग करने वाला हूँ। तो बिल्कुल सही बात है, मैं आज फिर से चेकिंग करने वाला हूँ, बट आज का जो तरीका है थोड़ा डिफरेंट कैसे होगा आप अगर वीडियो को देखोगे तो आपको पता चलेगा। बट उससे पहले मैं आपको बता दूँ, एक भाई का क्वेश्चन था, आप देख सकते हो ऊपर कहीं लिखा हुआ होगा। उन्होंने मुझसे पूछा कि भाई YouTube का इनकम कितना है, मतलब मेरा इनकम कितना, आप देख सकते हैं लिखा होगा। तो देखो भैया, अभी तो मैंने मेहनत स्टार्ट किया और मुझे ऐसा लगता है कि जब ज़्यादा हो तो पैसा मिले तो मज़ा हो गया, अदरवाइज मज़ा नहीं होता। चलो कोई बात, ये भी हमारी वीडियो का एक पार्ट है। बाकी यार पहली बार पब्लिक की इतना मतलब हाईवे पर खुलना बहुत डर लग रहा है यार, मतलब कॉन्फिडेंस आप देख सकते हो मतलब लो हो रहा है धीरे धीरे, बट ट्राई करूँगा कि कॉन्फिडेंस बढ़े तभी तो मज़ा आएगा। तो चलिए आज एक्चुअली आज भी मैं चेकिंग करने वाला हूँ, बट आज का जो तरीका है वो थोड़ा डिफरेंट होगा, वो आपको कैसे पता चलेगा एक्चुअली मैं वीडियो को फास्ट कर दूँगा और आप मेरे को देखते रहना और मैं बैकग्राउंड में म्यूजिक ऐड कर दूँगा जिससे कि आप बोर ना हो और आप बस मेरे को नोटिस करना मैं क्या कर रहा हूँ, राइट। फिर मैं आपको आगे बताता हूँ कि आज का जो मेरा तरीका है वो कैसा है। चलिए फिर मिलते हैं। देखो भैया, आज का जो तरीका है मेरा कुछ ऐसा है कि मैं सोच रहा हूँ कि मतलब मैं देखता हूँ यहाँ खड़ा होकर, मतलब यहाँ रुक के, कि मुझे कोई मतलब लिफ्ट देता है या नहीं बिना मांगे, यहाँ के लोग कैसे हैं। एक्चुअली मैं सबकी आंखों में आकर देखकर मतलब वो कर रहा हूँ ताकि आप समझ सकते हो क्या कर रहा हूँ। तो मैं यही ट्राई कर रहा हूँ कि देखता हूँ आज मुझे मतलब मैं लिफ्ट नहीं मांगूँगा फिर भी मुझे कौन मतलब लिफ्ट देता है कौन नहीं देता है, वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। वो आज मैं तरीका अपनाने वाला हूँ ये MP में, भोपाल में। देखता हूँ भोपाल में कैसा क्या यहाँ का सिनेरियो क्या है, कि लोग की आँखों में देखो तो क्या वो उनको लगता है कि सामने वाला पर्सन लिफ्ट मांग रहा है या क्या कर रहा है, तो वो मैं देखने वाला हूँ आज। इसलिए मैं आपको बताया हूँ कि आज का तरीका थोड़ा अलग है। तो बस आप वीडियो में बने रहो, दिखाता हूँ ज़्यादा देर तक मतलब वेट करूँगा, आधे घंटे तक अगर मिले तो बेटर, नहीं तो फिर अपना तो तरीका ही है लिफ्ट मांगने वाला, ठीक है। चलो लगे रहो आप लोग। कुछ देर पहले एक अभी ये ट्रक था सर, ट्रक वो अभी गए हैं। एक्चुअली मैं कोई इशारा किए हैं बट रुके नहीं हैं, तो इशारा करो तो ठीक है भाई, रुको भी तो सही, तभी तो पता चलेगा कि हाँ यार बात कर रहे हो। क्या बताऊँ, शर्म बहुत आ रही है, बट यार देखना है मुझे लोगों को, मतलब लोगों के बारे में जानना है मुझे, अगर शर्माऊँगा तो नहीं जानूँगा, इसलिए मुझे लोगों के बारे में जानना है कि क्या वो मेरी मदद करेंगे या नहीं। ऑलमोस्ट मेरे को एक्चुअली मुझे यहाँ पर आए हुए ऑलमोस्ट हो गया आधे घंटे के आसपास और मैं लिफ्ट के लिए मैं यहाँ पे मतलब 10 मिनट से खड़ा था। एक्चुअली इसके पहले मैं वीडियो शूट कर रहा था, यहाँ पे काफ़ी लोग देख रहे थे, शर्माएंगे तो यार काम तो चलेगा नहीं, वो तो जानना है बारे में, तो थोड़ा बहुत तो विकास दूसरे को खाना पड़ेगा। चलो देखते हैं। तो देखो भैया, ऑलमोस्ट मेरे को आधे घंटे के आसपास होने वाले हैं यहाँ पे खड़ा रह के, और मुझे ऐसा नहीं लगता है कोई मुझे लिफ्ट देगा बिना मांगे। ये भोपाल के कुछ सिनेरियो, बट अभी जज नहीं कर सकते यार, ऐसा भी हो सकता है शायद आज ना मिले, और कुछ देर ट्राई करते हैं उसके बाद। देखो भैया,
आधे घंटे के आसपास से ऊपर भी हो गए हैं और अभी तक किसी ने मुझे लिफ्ट नहीं दिया। ठीक है, एक भैया स्कूटी से रुके हुए हैं यार, क्या बात है। स्टिल छोड़ो उनको, तो देखो मैं ये बोल रहा हूँ आपसे, कई लोग सोच रहे होंगे भाई यार आपको मतलब आप ऐसे कर रहे हो तो कोई क्या सोचेगा। तो देखो भैया, सबसे पहली बात मैं आपको बता दूँ, सोचने वाले एक ही होते हैं। कोई मतलब कोई आ रहा है मुझे देखेगा तो सोचेगा यार क्या कर रहा है, फिर वो चला जाएगा, फिर मतलब ख़त्म, फिर दूसरा आएगा। मतलब जो गया वो तो आएगा नहीं, और जो आ रहा है उसके बारे में अच्छा सोचो थोड़ा, ठीक है ना। और मुझे लगता है कि यहाँ पे बिना मांगे मिलने वाला नहीं है, और वैसे भी टाइम ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है मेरा। चलो अब चलते हैं, चेकिंग करते हैं, अब लिफ्ट लेते हैं। अभी तक तो कोई मिला नहीं मुझे ऐसे बिना मांगे कोई मुझे दे सके, ये भोपाल का सिलेंडर। तो चलिए अब चेकिंग करते हैं। यार ज़िंदगी में, लेकिन इसी मुसीबत में तो आगे बढ़ना भी है अपन को, अपने दूसरे लोकेशन पे। एक्चुअली मुझे दूसरे लोकेशन में जाना है, एक्चुअली 100 किलोमीटर है आने जाने का, तो कोई ज़्यादा दूर नहीं है मेरे लिए। घंटे बाद मुझे लिफ्ट मिल गया। तो भैया कहाँ जा रहे हैं आप वैसे? कहाँ जाना है? तो ना भीम बेट का जाना था, भीम बेट का जाना है। तो यहाँ से लिफ्ट मांग के भीम बेट का तो थोड़ा हाई कर दीजिए एक बार। हाय भैया, कुल मिला के एक घंटे बाद मुझे भैया से लिफ्ट मांगना पड़ा, तब जाके मिला। तो MP में यही है कि बिना मांगे शायद मिलना मुश्किल है, तो चलिए चलते हैं। गाइज आप देख सकते हैं आज के सफ़र में ये भैया थोड़ा हाई कर दीजिए ऐसे, हाई। इनको काफ़ी दूर जाना है ये मुझे ड्रॉप किए यहाँ तक। ठीक है भैया, तब चलिए। क्या बाकी दोस्तों, आज का जो सफ़र था वो लमसम 80 किलोमीटर का डिस्टेंस है, 80-100 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आपको मैं दिखाया। वो भैया मुझे साथ दिए थे, एक्चुअली दो लोग थे आज की वीडियो में, आज मुझे छोड़े हैं। एक लोग 40 किलोमीटर, एक लोग 25 किलोमीटर, एक लोग 25 किलोमीटर, ऐसे करके 50 किलोमीटर आने का, फिर 50 किलोमीटर जाने का हो तो वो मैं देख लूँगा। बाकी आज का मैं अपने लोकेशन पे आ गया हूँ, तो वीडियो के एंड करते हैं। और भी कोई सवाल हो आपका तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आज के हिचहाइकिंग वाले जो वीडियो है उसमें कोई भी आपका सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ।